नमस्कार, शाम के 7 बजने को है शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच एक राहत भरी खबर आई है। ड्रग्स कंट्रोलर ने डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि ये दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में कारगर और इससे ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को काफी फायदा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। महामारी से जब लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है तो संकट के इस दौर में एक दवा बड़ी राहत की उम्मीद बन सकती है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने DRDO की दवा 2-deoxy-D-glucose को कोरोना के इलाज में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। दावा है कि 2DG नाम से जानी जाने वाली यह दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी कारगर है। इसने 2-deoxy-D-glucose जिसको 2DG भी कहा जाता है उसका अभी ड्रग कंट्रोलर से ही परमिशन लिया है COVID-19 पेशेंट्स में इस्तेमाल के लिए। ये ड्रग हमने इस पर काम करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और पहला हमने प्रयोग किया था CCMB हैदराबाद की मदद से, जिसमें ये साबित हुआ था कि ये ड्रग, ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 वायरस को बहुत अच्छी तरह से गतिरोधक प्रदान करती है, इसकी गति रोक देती है और इसको आगे बढ़ने से रोकती है। दरअसल DRDO के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में इस दवा पर प्रयोग शुरू किया था जिसमें पता चला कि ये दवा कोरोना वायरस को रोकने में मदद करती है, जिसके बाद DCGI ने मई 2020 में दवा के फेज 2 ट्रायल को मंजूरी दी। दूसरे चरण में प्रयोग के नतीजे अच्छे रहे तो नवंबर 2020 में 220 मरीजों पर दवा के तीसरे चरण का परीक्षण किया गया। परीक्षण में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण बढ़ने से रोकने में मदद करती है। साथ ही दवा के ट्रायल में ये बात भी पता चली कि इससे कोरोना मरीज के ऑक्सीजन लेवल में सुधार होता है। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% तक हो गई। खास बात यह है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का अच्छा रिस्पांस दिखा। उसके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है उसको भी कम करने में ये दवा काम कर रही है, स्टैंडर्ड केयर के अलावा भी। स्टैंडर्ड केयर के साथ इसका प्रयोग करने से भी इसका बहुत फायदा हो रहा है पेशेंट्स को एडिशनल। सो इसके बेस पर हम ये दवा आगे COVID-19 पेशेंट्स के लिए अब इमरजेंसी यूज का अप्रूवल हमें मिला है ड्रग कंट्रोलर से। अप्रैल 2020 में COVID-19 महामारी की पहली लहर के दौरान जब इस दवा का टेस्ट किया गया तो पाया गया कि 2DG दवा लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। मरीजों के लिए उपयोग में मंजूरी से पहले कई राज्यों में इस दवा का परीक्षण किया गया जिसमें दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल थे। 2-deoxy-D-glucose दवा पाउडर की तरह होती है और इसे पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाता है। 2-deoxy-D-glucose दवा के अप्रूवल के साथ सवाल इस दवा के प्रोडक्शन का भी है, जिसके जवाब में DRDO का कहना है कि इस दवा का बड़ी मात्रा में उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। मतलब ये कि उम्मीद की एक लौ और जली है। उम्मीद कीजिए कि ये लौ कोरोना नाम के इस अंधकार से देश को निकाले। उम्मीद कीजिए कि ये दवाई कोरोना महामारी पर भारी पड़ेगी। उम्मीद कीजिए कि जिंदगी बचाने के लिए ये दवा संजीवनी बन जाएगी। उम्मीद कीजिए। आज तक ब्यूरो। उम्मीद पर ही पूरी दुनिया कायम है और उसी उम्मीद के सहारे हम और आप धीरे धीरे ही सही मगर आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच बिहार में कोरोना की मार के बीच सियासी वार पलटवार भी बहुत तेजी से हो रहा है। जन अधिकार पार्टी के मुखिया और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाए हैं कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के घर पर 40 एम्बुलेंस धूल फांक रही हैं। जिन एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों की मदद के लिए होना चाहिए उनको बालू ढोने के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। पप्पू यादव के आरोपों पर अब बीजेपी हमलावर है।
राजीव प्रताप रूढ़ी जी, पूर्व सांसद पप्पू यादव ड्राइवरों की गिनती कर रहे हैं। इन सारे ड्राइवरों के पास हैवी वाहन चलाने का लाइसेंस है। ये सारे ड्राइवर बेरोजगार। सुनिए, आपके पास बेकार खड़ी एम्बुलेंस को चलाने के लिए पप्पू यादव ड्राइवर ले आए। पूर्व सांसद पप्पू यादव करीब 40 ड्राइवरों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि कब राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद सारण इनको बुलाएंगे और वो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, उसको चलाने के लिए, उसको मरीजों को अस्पताल पहुँचाने के लिए देंगे। अभी वो इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए पप्पू जी, ये 40 जो ड्राइवर हैं आपके, ये एम्बुलेंस चलाने के लिए आपने तैयार करके रखा है? नहीं, ये सबके पास लाइसेंस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है। और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस में कौन तय करना, एक तो पहले रूढ़ी जी ये बताएं कि वो ड्राइवर मांगने वाले कौन होते हैं। सरकार का एम्बुलेंस है तो इसका मतलब सरकार कोलैप्स है, फेल्योर है, सरकार के पास कुछ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन और दवाई और बेड और वेंटिलेटर नहीं है, वैसे ही ड्राइवर भी सरकार को नहीं मिल रही है, जबकि ये सारे ड्राइवर बेरोजगार हैं, किसी के पास काम नहीं है। ये जाना चाहते हैं तो आप सरकारी में लगा दीजिए। ये ड्राइवर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पप्पू यादव पहुंचे थे। उन्होंने एक तरह से यहाँ छापेमारी की थी और बताया था कि कैसे बिहार में बगैर एम्बुलेंस के मरीज दम तोड़ रहे हैं, शवों को रिक्शे से ले जाया जा रहा है, लेकिन रूढ़ी के घर पर 40 एम्बुलेंस धूल फांक रही हैं। पप्पू यादव खुद पहुंचे थे और एम्बुलेंस पर पड़े कवर हटा रहे थे। ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूढ़ी जी का है और ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? पप्पू यादव के बाद हमारे संवाददाता भी यहाँ हकीकत जानने पहुंचे। महामारी के इस दौर में जहाँ एम्बुलेंस की लगातार कमी देखी जा रही है, वहीं पर ये एम्बुलेंस इस तरह से खड़ा होना सवाल जरूर पैदा करता है। आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस ढक के रखा गया है। 2019 में संसद पंचायत एम्बुलेंस सेवा सारण एमपी लैंड से ये 2019 में खरीदा गया ये एम्बुलेंस है। इसी तरह के दर्जनों एम्बुलेंस आपको दिखेंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि ड्राइवर, चूंकि महामारी का दौर है, कोई ड्राइवर तैयार नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। इसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। मतलब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत यहाँ एकदम फिट बैठती है। सांसद आप हैं, एम्बुलेंस आपके यहाँ धूल फांक रही है और ड्राइवर लाए पप्पू यादव। वाह सांसद साहब वाह। बहरहाल पप्पू यादव ड्राइवर लेकर पहुंच गए हैं। इसके बाद रूढ़ी क्या कहते हैं, हमने फोन पर उनसे बात की, सुनिए। पप्पू यादव को घर और संस्था में भी फर्क नहीं दिखता है और जिला स्वास्थ्य संचालन समिति के देखरेख में ये चलता है जहां इसका देखरेख होता है। और 2.5 लाख 5 लाख रुपए में तो एक छोटा सा टुकड़ी बनता है सड़क का। यहां तो गरीबों की सेवा के लिए बड़ी बहुत बड़ा सेटअप है और प्रत्येक दिन होता है। और सारण जिला में एम्बुलेंस का भी कोई अभाव नहीं है और किसी भी नागरिक से पूछेंगे तो उनके पास एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध हो जाता है और बहुत कम इतना दम है। उनके ऊपर भी कुछ आरोप लग रहे हैं। तमाम मुद्दों पर हमने कुछ देर पहले उनसे विस्तार से बातचीत की है, सुनिए। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिन्होंने दावा किया है इन तमाम तस्वीरों के जरिए कि दरअसल राजीव प्रताप रूढ़ी के ये एम्बुलेंस धूल खा रहे थे और इनकी ओर से जब वहां पर जाकर तस्वीरें उजागर की गई तो वो देशभर में सुर्खियां बनी हुई है। पप्पू यादव जी, सीधा से सवाल, आपको कब इस बारे में जानकारी मिली कि यहां पर इतने एम्बुलेंस रखे हुए हैं और दूसरी तरफ सरकार की ओर से और
ये दावा किया जा रहा है राजीव प्रताप रूढ़ी की ओर से कि ड्राइवर की कमी थी, इस वजह से वो एम्बुलेंस वहां पर रखे गए। क्या है जवाब इस पर आपका? एक तो रूढ़ी को नहीं दायित्व नहीं बनता है ड्राइवर की बात करने का, क्योंकि वो सरकार का एम्बुलेंस है, और अभी तक यदि सरकार ने एम्बुलेंस पर ड्राइवर नहीं दिया तो फिर ड्राइवर कौन था और उसको तनख्वाह कौन दे रहा था? क्योंकि जब सरकार का एम्बुलेंस सरकारी ड्राइवर होंगे, एक तो ये भी जांच का विषय है, इसमें भी घोटाले हैं, एक तो पहले आप ये समझ लें। दूसरी बात, हमको वहां के पत्रकारों ने, तीन तीन पत्रकारों ने वहां पर हमको फोन किया, पंकज सिंह और भी लोग वहां के लोगों ने, कि सर इस तरह की चीजें हैं, और 39 मैंने गिन करके 39 आपको दिखाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जिस दिन हम गए थे। पहले मैंने ट्वीट किया डीएम को और मुख्यमंत्री जी को, सबको, कोई नहीं सुना। फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मैं वहां गया तो हमको पता चला कि ये जमीन रूढ़ी जी की है, उनकी मां के नाम से है, और 9 करोड़ रुपया एक इनके मंत्रालय के द्वारा यहां पर भवन बना दिया गया। ये पहले कैंसर के लिए था, फिर आंख के लिए कहा गया, फिर उसके बाद स्किल के लिए कहा गया, लेकिन बाद में ये कार्यालय हो गया। और उस दफ्तर में आप इसको जांच करा ले, गाड़ी यदि 1 महीना 1.5 महीना से खड़ी होगी तब भी आपको MBI बता देगा, और उसके क्या कहते हैं मीटर बता देंगे कितने दिनों से गाड़ी खड़ी है। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम 8 महीने से लेकर के 1.25 साल के अंदर गाड़ी खड़ी थी, जिन मुखिया ने इनको वो कह रहे हैं ड्राइवर नहीं है, इस वजह से वहां पर एम्बुलेंस को खड़ा रखा गया तो, और ड्राइवर मतलब की खोज की जा रही थी, अखबार में बकायदा इश्तहार छपा है इसके लिए। आप एक बार बताइए, 6 तारीख 7 को मैं जाता हूँ, एक फेक चिट्ठी 7 को लिख करके आप डीएम से बात कर ले, आप तो इतने आप छोड़ेंगे थोड़ी किसी को। चित्रा जी, आपका ये घर है, बिहार की क्या स्थिति आपसे छुपी नहीं है। तो लगातार पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच बिहार में अस्पतालों की व्यवस्थाएं कितनी बदहाल हैं, लोग किस तरह से बेबस हैं, और अस्पतालों में किस कदर अराजकता फैली हुई है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। आशुतोष भागलपुर के एक अस्पताल पहुंचे थे, आप भी देखिए सुशासन बाबू के अस्पताल का हाल। भर्ती नहीं किया, नंबर भी नंबर। इस दर्द की कोई दवा नहीं है, कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं ये। श्याम सुंदर शर्मा के दोनों बेटे अपने पापा के मृत शरीर को लेकर बिहार के भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्रांगण में बैठे हैं। सुनिए इनसे, इनका दर्द तड़प उठेंगे आप। भर्ती नहीं किया, नंबर भी नंबर नंबर शायद मेरे पापा बैठ सकता था। आप कहाँ लाए थे इनको? 28 तारीख को ही आए थे। ICU नहीं मिला, डॉक्टर जैसे देखा बोला बेटा इनको ICU का जरूरत है। सुशासन बाबू, इनकी तकलीफ आप भी सुनिए, भागलपुर बिहार में ही है और बिहार के सीएम आप ही हैं। आइए देखिए आपके सुशासन में अस्पताल खुद कितने बीमार हैं, कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कितनी अराजकता है, कितनी असंवेदनशीलता है। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस है। कोविड के वार्ड में अस्पताल यानी डॉक्टर नर्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता, लेकिन जो मरीज हैं उनके तीमारदार, उनके परिवारों को ही उनके साथ समय बिताना पड़ता है। सबसे बड़ा आरोप ये कि न डॉक्टर सुध लेने आती है, न नर्स देखने के लिए आती हैं। ऐसे में जब मरीज एक तो संक्रमित, ऊपर से ऑक्सीजन की जरूरत, और ऑक्सीजन की जरूरत तब जब तबीयत बिगड़ती है। पहले उस हॉस्पिटल में मायागंज के, हाँ, उन्होंने बोला कि टेस्ट आपने नहीं कराया है तो पहले यहाँ जाइए, यहाँ टेस्ट कराइए। यहाँ लाया टेस्ट कराने के लिए, स्ट्रेचर से तो अपने एम्बुलेंस से उतरे थे अपने पैर पे चल के ही, उसके बाद लेटाया है, सांस उसी टाइम में लग रही थी, उखड़ रही थी, अंदर ले गए, कोई केयर नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं है। बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में कितना समय लगा आपको? ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं सर, यही तो बात है, मिल जाता तो शायद बच जाते। श्याम सुंदर और परमान अली जैसे न जाने कितने इस अस्पताल में बदहाली के शिकार हैं। आपको अस्पताल के कोविड वार्ड लिए चलते हैं। इमरजेंसी वार्ड के पहले ऑक्सीमीटर तो लगाया गया है, लेकिन अगर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो अपने मरीज का ऑक्सीजन स्तर चेक करने के लिए
खिड़की दर खिड़की भागना पड़ेगा। मतलब पहले से तबीयत खराब था, जब खगड़िया एडमिट करवाए तो कल रात 12 बजे 24 घंटा वहाँ ऑक्सीजन पे रखा, तो फिर इसका ऑक्सीजन टेम्परेचर बढ़ के फिर घट जाता था, फिर यहाँ लेकर आया। नहीं, अभी कितना ऑक्सीजन? वो भी मतलब कभी 88 होता, कभी 86 होता अभी भी। उसके बाद हम बोले, यहाँ बोला कोरोना टेस्ट करवाओ, उसके बाद बोला कि ये सारे रिपोर्ट है इसका, लेके से इधर उधर भागते हैं, जिसको बोलते हैं कोई उसमें सटने के लिए तैयार ही नहीं। राजकुमार सिंह अस्पताल के वार्ड में भर्ती हैं और उनकी पत्नी और पत्नी के भाई बाहर बेचैन हैं, क्योंकि आरोप है कि उनके बहनोई को सही इलाज ही नहीं मिल रहा है। एक बार कोई डॉक्टर तक नहीं आया देखने के लिए। सर बताइए, किस तरह पेशेंट के साथ, कोविड वाले के साथ पूरा घर का लोग रह रहा है, घर का ऑक्सीजन दवा इस सब है। और जो सीनियर डॉक्टर है ना, वो सिर्फ फोन पे जूनियर डॉक्टर बताता है। सिर्फ एक ऑक्सीजन जो चालू है पाइपलाइन का, बस वही चालू, और हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। देखने नहीं आता कोई? देखने तक नहीं आता है। आप लोग खुद जाते अंदर बैठते? हम लोग खुद रात भर पेशेंट के साथ सोए, कोविड का पेशेंट है उसके साथ में सोए हैं रात भर। सर बेबसी की एक और कहानी सरिता देवी की है। सरिता देवी के साथ तो लापरवाही की हद हो गई। उनके पति अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कागज का पता नहीं। पति की कोविड रिपोर्ट निगेटिव बताई गई, लेकिन उन्हें संक्रमित मरीजों के साथ रखा गया है, और तो और उन्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया जा रहा। सरिता देवी कहती हैं कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि मारने की कोशिश हो रही है। बिहार किस तरह से बेहाल है उसकी तस्वीरें आपने देख ली। उधर कोरोना की मार यूपी के गांवों को अपना शिकार ना बना सके, इसके लिए सरकार ने अब जाकर तैयारियां तेज की हैं। गांव-गांव तक सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, लोगों तक दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव का दौरा कर जमीनी हालात को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोरोना पर काबू पाने के लिए यूपी सरकार पूरे एक्शन में है, और इसकी एक बड़ी झलक उस वक्त दिखाई दी जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक मुरादाबाद के मनोहरपुर गांव पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों से मिले और उनका हालचाल जाना। मुरादाबाद सदर विकास खंड के मनोहरपुर गाँव का भी दौरा करके आ रहा हूँ, जहाँ पर कोविड पॉजिटिव के कुछ केसेस थे जो होम आइसोलेशन में हैं। उनके साथ संवाद बना करके उनको मेडिकल किट उपलब्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उनका ICCC के साथ संवाद है या नहीं है, इन सब मुद्दों पर उनसे भी चर्चा की है। अपने दौरे में योगी आदित्यनाथ ने गांव के लोगों से बात की, पूछा कि इस संकट के दौर में क्या उन्हें मदद मिल रही है या नहीं। दरअसल योगी के इस दौरे का मकसद प्रदेश के गांवों में कोरोना को लेकर जमीनी तैयारियों का हाल जानना है, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि पंचायत चुनाव के बाद कोरोना से यूपी के कुछ गांवों में लोगों की जान गई है। गांवों में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गांवों में विशेष सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गांव के लोगों को किसी तरह का लक्षण पाए जाने पर उन्हें दवा भी मुहैया कराई जा रही है। कोशिश इसी बात की है कि किसी भी तरह कोरोना की लहर को गांव तक पहुंचने से रोका जाए। जो अभियान है कोविड मैनेजमेंट का, उसी के तहत एक जो सर्वे चल रही है गांव-गांव, जैसे CAC मोहनलालगंज में 212 टीमें बनी आशा बहुओं की, रोज वो 75 घर जाती है, उसमें लोगों से बात करके पता लगाते हैं कि उनको कोई सिम्टम या कुछ तरह की चीज़ है कि नहीं, उसके आधार पे उनको मेडिकल किट देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, फिर उसके बाद टीम आके RT टीम उसकी जाँच भी करती है, ताकि उनको सही समय पर ही उनको दवा मिल जाए और उनको आइसोलेट करके संक्रमण को भी रोका जाए। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन और सरकार के बड़े कदम के बीच संक्रमण की दर में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इस बीच अब सरकार ने अपना फोकस गांवों पर लगाया है, ताकि यहां महामारी लोगों की जान पर भारी न पड़ सके। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे ऑक्सीजन के लुटेरे। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।